आयो बारा पटा चौबीस करोल बाग आ जाइयो। सॉरी वो मैं पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। एक्चुअली मैं ना इंसाफी देख ही नहीं सकता, ना खुद पर ना दूसरों पर। बिल्कुल मिली की तरह। मिली मेरी छोटी बहन, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्लीज मुझे आपकी छोटी बहन से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं आपसे छोटा हूँ, दूध पीता बच्चा हूँ ना मैं। और अड़ियल भी बिल्कुल बच्चे की तरह। हाँ मैं अड़ियल हूँ। और प्लीज मेरे बाल खराब करने की जरूरत नहीं है। पता है आपको कितना टाइम जाता है सेट करने में? प्लीज पहले आप प्रॉमिस कीजिए, आप एटलीस्ट एक बार अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगी? प्लीज जी प्रजाय जी। हाँ हाँ नहीं सिमो की शादी है, नहीं कल आना है आपको। ओफो अमृतसर कौन सा दूर है। हाँ पास सब हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं जी वो लड़की वालों का ना कुछ मुहूर्त का चक्कर, मैं समझती हूँ जी, समय कम है, लेकिन आप और भाई साहब आ जाते तो। हाँ जी अच्छे अच्छा जी नमस्ते नमस्ते। वो ये कट कैसे होता है? मिले 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 इसको कट कर और मुझे चंडीगढ़ वाली मौसी का नंबर लगा के दे। ओफो माँ एक फोन कट नहीं होता है आपसे, अभी रहन दो थोड़ी देर। नंबर तो देखो एक जरूरी फोन करना, आपको मौसी का नंबर बाद में लगा के देती हूँ। हेलो मास्टर जी आपको पता है पिछली बारी आपने कितना लूज बनाया था, इस बारी मुझे सबका सब फिटिंग चाहिए, समझ गए? और ये देखिए ये नया वाला क्लॉथ पीस है, ये ना आगे आएगा गले पे, इसका डिजाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए मास्टर जी, मैं बाय गॉड बता रही हूँ आपको। और मास्टर जी अगर आपने इस बार अपनी कोई भी डिजाइन डालने की कोशिश करी ना तो बाय गॉड ना मैं आपको कपड़े के पैसे दूंगी ना सिलाई के दूंगी, बल्कि आपसे पैसे ले ही लूंगी, याद रखना। क्या आज रात को? लेकिन अनीता आज रात को तो अनुज मैं क्या करूं, रिवाज है करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ आ क्यों रहा है? डिनर करने और क्यों? हाँ तो आने देना, रिवाज है लड़की का भाई लड़के के घर जाता है खाने पे, ये देखने के लिए उसकी बहन जिस घर में जा रही है वो कैसा है। माँ जब अनीता यहाँ रहकर जा चुकी है तो वो आकर क्या देखेगा? एक बात बताओ मुझे, उसे हमारा घर पसंद नहीं आया तो क्या रिश्ता कैंसिल कर देगा? पगले रिवाज है अभी तो आजकल ही होने लगा है खुलेआम एक दूसरे के घर आना जाना। हमारे जमाने में लड़की पहली बार अपने पति के घर जाती थी दुल्हन बनकर, समझा? ये हरा वाला बटन दो बार दबा देना मौसी को फोन लग जाएगा। वैसे माँ क्या खामखा पुराने रीति रिवाज में पड़े रहते हो? वहाँ मजा आता है मिली, आने देना अनुज के साले को। तुम लोग नाश्ता बनाना, किसी चीज में मिर्च ज्यादा किसी में नमक ज्यादा। भाई हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था। क्या बात है? ए जल्ली नीतू इधर आ, आज मिर्च मसाले वाली पार्टी होने वाली है घर पे। सच्ची? किसी की हवाइयां उड़ाई जाएंगी। नहीं नहीं माँ, माँ प्लीज
क्या सोचेगा वो? चुप कर, ये हमारा रिवाज है, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ना शादी कैंसिल करवा दूंगी। मंजू जी, ये बिशन काके का नंबर ही नहीं लग रहा। मुझे आप बाद में ट्राई कर लेना जी, अनुज का साला आने वाला है शाम को खाने पे। ठीक है, तू जा। हाँ ओ काके, हाँ हाँ सिमो दी शादी है। नहीं नहीं कल तक पहुंच जाना। बिल्कुल हाँ। ये पम्मी चाची, हाँ ये जी, दो दो शादियां हैं। माता रानी का जगराता तो बनता है जी। धन्यवाद ना, मैं माता रानी को थैंक यू कार्ड भेज देता हूँ। आप ना जी हर बात पे मजाक मत किया कीजिए। और जी वैसे भी मैंने आपसे पिछले 30 सालों से कुछ भी नहीं मांगा है। और जी मैं पिछले महीने मिसेस कुकरेजा के यहाँ गई थी जगराते पे, वहां नरेंद्र चंचल जी आए हुए थे। मुझे परेशान देखकर उन्होंने कहा माता रानी सब ठीक करेगी और मेरी बेटी की शादी पे वो जरूर आएंगे जगराता करने के लिए। तो जी बनता है ना? अब मंजू जी चंचल जी के आगे हमारी क्या चलेगी, करवा लीजिए। खुश माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र। जय माता दी। तुझे रिवाज करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। यार शादी की तैयारी में जितनी मेहनत करवानी करवा लो, वो फूल वूल लगाना वो सब कुछ कर लूंगा मैं यार, मगर ये सब नहीं, प्लीज प्लीज। तो ठीक है, तो फिर मैं मॉम को तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देती हूँ। किसके बारे में? वही आकांक्षा के बारे में। वो तो मेरी दोस्त है। हाँ, और मैं मॉम को उसे तेरी दोस्त कह के थोड़ी ना मिलाऊंगी। प्लीज तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ओके? वरना मॉम तो कल ही उसके घर पे रिश्ता लेके पहुंच जाएगी। तो फिर डिनर टनाइट एट 12:24 करोल बाग। हाँ जरा थी, प्लीज यार प्लीज। और प्लीज वहां ऐसे कपड़े पहन के मत जाना। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा बताऊं क्या प्रॉब्लम है? नहीं अनीता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करी। नहीं 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 नहीं, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। राखो तू कब से कर क्या रही है? मेज डालना उसमें। वो तो डाल दूंगी, पहले ठीक तरह गूंदे तो। ज्यादा पानी डालती हूँ तो पतला हो जाता है, मैदा डालती हूँ तो देख सूख जाता है। तुझसे कुछ होता भी है? बढ़िया ही आटा गूंदने वाली। रोज गेहूं का गूंदती हूँ ना, आज पहली बार इस मैदे का गूंद लूं। अच्छा ठीक है तू मिर्च डालना उसमें। नहीं नहीं एक काम कर, तू ढेर सारा नमक डाल दे, मिर्च तो मैं डालती हूँ उसमें। बेटा क्या वो मिस्टर तनेजा, अगर उसके नाक से भी धुआं नहीं निकाला मैंने तो मेरा भी नाम मिली सेठी नहीं। क्या नाम है बच्चू का? अभी। ओ तभी। देख कोई अनजान आदमी करे तो अटेम्प्ट टू रेप है, लेकिन बॉयफ्रेंड या मंगेतर करे तो सब कुछ नॉर्मल है। जिस फैमिली के लिए आप ये सब कर रही है ना, उस फैमिली को सच्चाई भी पता होनी चाहिए। अरे किसी को भी बताइए, अपनी मॉम को बताइए,
उन्हें डिसाइड करने दीजिए क्या सही है और क्या नहीं है। मैं आपके पूरे परिवार की इज्जत की ना धज्जियां उड़ा दूंगा धज्जियां, और राजेंद्र सेठी करोल बाग में सिर उठा के एक कदम नहीं चल पाएगा। पहले आप प्रॉमिस कीजिए, आप एटलीस्ट एक बार अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। ले, तूने अभी तक एक भी कपड़ा पहनकर नहीं देखा, जल्दी कर ले बेटा। बेटा अगर कुछ ठीक ठाक कराना है तो मास्टर जी कल तक ही देंगे ना, फिर मेहंदी में क्या पहने की नहीं तो तू देख, ये तेरे चूड़े के लिए है, पहन कर देख ले, जल्दी कर ले, नहीं तो फिर वो अनिता के भाई के आने का वक्त हो जाएगा। मिली और नीतू तो न जाने क्या क्या पकाने में जुटी हुई है। कितने सालों से तुझे दुल्हन के जोड़े में देखने को बेताब रही हूं मैं। माता रानी की कृपा से अब वो दिन आया है। क्या हुआ? देख रो मत देना, अभी वक्त नहीं है, बाद में ना दोनों गले लगकर खूब हंसेंगे, खूब रोएंगे इस खुशी पर। आपसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना है, कुछ देना है आपको। अभी तो मैं देखिए अगले 2 दिन में फिर मौका नहीं मिलेगा। आई टोल्ड यू ना मेरी बहन की शादी है, उसी से रिलेटेड कोई रीति रिवाज है जो निभाने जा रहा हूँ। इनफैक्ट आप ही के एरिया में आ रहा हूँ मैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझसे मिल सकती हैं। देखिए आपकी भी शादी होने वाली है ना, फिर तो आप कहाँ और हम कहाँ। Anyway, तो मैं आपको करोल बाग पहुंचकर फोन करता हूं, लेकिन मिलना है पक्का। टेक केयर, बाय। हाँ माँ, लेकिन वो हमारे घर पहली बार आ रहा है, तो उसे कुछ तो देना चाहिए। हाँ तो ठीक है, शर्ट पीस या पैंट पीस दे देते हैं। मैं ये भी कोई देने की चीज है तो 101 रुपया लिफाफे में डालकर देते। एक शगुन ही तो है, मिली दे। कम से कम 1001 रुपए देते, क्या सोचेगा माँ, उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। तेरी हैसियत है तो तू दे दे, मैं तो ये समझती हूँ कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए। हाँ। मिली सब रेडी है? हाँ जी। क्यों भाई? भाई, 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 भाई। क्या कमाल का लग रहा है ना, मैंने डेकोरेट कराया है नीतू के खूबसूरत फूलों का कमाल। स्माइल में कंजूसी क्यों? अच्छा मंजू जी सिमो कहाँ है? तैयार हो रही है, मैं लेकर आती हूँ। सच में दी, बहुत सुंदर लग रहे हो। दी, बहुत सुंदर लग रही हो। सच से दी। जा बेटा बदल। क्यों ना पहने दो ना, कितनी अच्छी लग रही है। चुप कर, ये चूड़े के लिए
जा बेटा बदल ले। आ गया बकरा, आ गया बकरा, आ गया। चल बेटा जल्दी से कपड़े बदल ले, चल आ जा। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं देख के आता हूं। हाय, कैसे हो? बस ठीक, कैसे हो? आओ। हाय अंकल जी, मैं बहुत क्यूट है। अभी तर नहीं जा, मैं अनीता का छोटा भाई हूं। मुझे उसी दिन पहचान लेना चाहिए था कि तुम तरनेजा के ही बेटे हो सकते हो। आप पहले से जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, हम पहले टकरा चुके हैं एक बार। और नीतू ना आज उस बेचारे को आंसुओं से रुलाने वाली है। किसे? वही अनुज के साले को। इतनी मिर्ची, इतना नमक डाला है ना खाने में, पूछ मत। मैं आपको पता है, फिर भी बड़ा जरूरी है बेटा, अगर ये सब ना हो ना तो शादी ब्याह का रंग भी फीका हो जाए, नमकीन और मसालेदार ना रहे, समझे? नजर ना लगे। नीतू। है। और ये मिली। है। मेरी बहने। ओ। आइए ना प्लीज। बैठिए। आपको हमारा घर कैसा लगा? सुपर। मैंने डेकोरेट किया है। ओ। खास आपके लिए। वैसे दो दिन पहले आपकी बहन चेक करके गई थी। आई नो, लेकिन वो वॉर टाइम में चेक करके गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं पीस टाइम में चेक करके जाऊं। बाप रे बाप, पापा जी ये तो बिल्कुल आपकी तरह मजाक करते हैं। अच्छा ये मजाक मजाक छोड़ो, पहले कुछ खातिरदारी तो करो इसकी। चल मिली, लीजिए जूस। थैंक यू। जूस गला खराब है? एक और ले आओ। नहीं नहीं बस 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 बस। अच्छा चल समोसे।
अरे खाई प्लीज प्लीज लीजिए लीजिए, खास आप ही के लिए बनाए हैं। खा लो बेटा। खाई खाई, कैसा लगा आपको? तो आप एक और जरूर खाएंगे, है ना? बस क्या हुआ, मिर्ची लग रही है आपको? नहीं। आप रो क्यों रहे हैं? पानी। पानी लाओ, पानी लाओ कोई उसके लिए।